हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका, जो हम पढ़ रहे थे विश्व के महाद्वीप, उसमें हम पढ़ रहे थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसका हमारा भाग दो है, पार्ट टू है। और ये हमारी जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है आपका STET के लिए, यानी कि सुपर टेट 2022 के लिए। आप लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे, आशा करता हूँ आप सभी लोग। और बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, जिससे मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ आपके नॉलेज के इम्प्रूव करने के लिए इतना इम्प्रूव कर दूंगा कि आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी वीडियो देखा करिए, और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को जैसा लगे वीडियो बताया जरूर करिए, लाइक किया करिए, लाइक बटन को क्लिक करके लाइक किया करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। और कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, जैसा कि आपको पता है 10 से 15 मिनट की बीच की वीडियो मैं बनाता हूँ, छोटी छोटी वीडियो हो, जिससे आप लोग वीडियो देखते, इतना मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगा आप लोगों को कि वीडियो देखते देखते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कल बताया था विश्व के महाद्वीप में, मैंने आप लोगों को उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के यहाँ पे झीलों के बारे में बताया था, जिसमें एक झील थी आपकी महान झील, ठीक है। पांच झीलों का समूह था बचा हुआ यहाँ पे, महान झीलों जिसको हम कहते हैं ग्रेट लेक, यानी कि महान झील, इसमें पांच झील थी। और इन पांच झीलों में क्या खासियत है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन पाँचों झीलों से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनका जो स्ट्रक्चर है पाँचों झीलों का किस तरीके से है, उसको हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक झील आपकी देखिए इस तरह से यहाँ पे है, फिर दूसरी झील यहाँ पे है, तीसरी झील इस साइड है, चौथी झील यहाँ पे है, और पांचवी झील यहाँ पे है। तो ये पांच झील हैं, और ख़ास बात इनमें ये है कि इन पांचों झीलों में से चार झीलों से होके यहाँ पे एक लाइन जाती है बीचों बीच से, यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रही होगी। ये आपका बॉर्डर क्रिएट करती हैं अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच में। सिर्फ एक झील ऐसी है, ये वाली झील, दूसरी झील मिशिगन झील, जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है, USA में है। बाकी जो चारों झीलें हैं वो आपका आधा हिस्सा उसका कनाडा में है और आधा हिस्सा उसका USA में है, इसलिए ये सारी झीलें इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे जो ऊपर ये झील है इसको कहते हैं सुपीरियर झील, इसका नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी मैं आगे बताऊँगा। दूसरा यहाँ पर झील है ह्यूरन झील। तीसरी झील की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे आप मिशिगन झील है ये वाला, उसके बाद ये चौथी झील है इरी झील, और पांचवी झील है ये ओंटारियो झील। पांच झीलें हो गई, और ये ओंटारियो झील में यहाँ पे एक नदी आती है इस तरफ से, जो है सेंट लॉरेंस नदी। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि सेंट लॉरेंस नदी के इस पॉइंट पे, इस किनारे पे यहाँ पे मॉन्ट्रियल बसा हुआ है, जो कि कनाडा का आपको पता है सबसे व्यस्ततम शहर है। उसके बाद यहाँ पर टोरंटो बसा हुआ है, दोनों कनाडा के यहाँ पर शहर हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अमेरिका का, यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है यहाँ पे ह्यूरन झील के अमेरिका वाले साइड, USA वाले साइड, डेट्रॉइट। ये सारे नाम जो मैं बता रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो मिशिगन झील है उसके इस किनारे पे आपको मिलेगा शिकागो शहर, जिसको हम क्या कहते हैं, विश्व की मांस मंडी भी कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, अब इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आंतरिक जो जल मार्ग है वो है सेंट लॉरेंस नदी, यानी कि उत्तरी अमेरिका का जो ये नदी है, अभी यहाँ पे आपको नदी देखने को मिलेगा, उसका ये झीलें देखने को मिलेंगी पूरी। तो यहाँ पे जो बाहर यहाँ इस तरफ से व्यापार के लिए जहाज आते हैं वो इस नदी के रास्ते से यहाँ पर झीलों से होते हुए यहाँ तक आ जाते हैं, जिससे USA के अंदर और कनाडा के अंदर माल पहुंचाया जा सकता है। तो ये आपका सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आपका आंतरिक जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग जो नदियों और झीलों से तय किया जाता है। ये हो गया कौन सी नदी, सेंट लॉरेंस नदी। उसके बाद देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो थी सुपीरियर झील थी, जो मैंने आपको दिखाया था सबसे ऊपर, आपको मैंने सुपीरियर झील दिखाया था। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है, क्या नाम है, सुपीरियर झील। उसके बाद महान झीलों में मिशिगन झील जो है, जो मैंने अभी आपको मिशिगन झील दिखाया ये वाला मिशिगन झील, ये आपका पूर्ण रूप से अकेली ऐसी झील है ये पांचों महान झीलों में, जो पूर्ण रूप से आपका USA में है। उसके बाद डेट्रॉइट, आपको मैंने बताया डेट्रॉइट शहर कहाँ पे बसा है, USA में, यहाँ पे ह्यूरन झील के इस किनारे पर बसा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स, कार,
जिसको कहते हैं कार और ट्रकें, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी ट्रकें देखने को मिली होंगी आपको, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो यहाँ पे डिट्रॉयट शहर में बनाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए तो सुपीरियर झील, अब यहाँ पे आपको देखने को मिले इन झीलों के बीच में थोड़ा थोड़ा, इस वाले झील में यहाँ पे गैप है और यहाँ पे गैप है। इस गैप को किस तरीके से यहाँ पे जोड़ा जाता है, क्या किस नहर से जोड़ा जाता है, क्योंकि झीलें हैं, व्यापार हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक नहर से यहाँ पे एक झील से दूसरे झील में जाएगी जहाज। अब वहाँ पे जो जलप्रपात है वहाँ से तो गिर कूद के जा नहीं सकती, जो झरने होते हैं वहाँ से तो जहाज नीचे जाएगी नहीं, इसलिए वहाँ पे उसके आसपास नहर बना दिया जाता है, जिससे आसानी से जो नाव है, जो जहाज है, वो एक नहर से, एक झील से दूसरे झील पहुँची जा सके। तो यहाँ पे जो सुपीरियर झील था और ह्यूरेन झील था उसके बीच में कौन सी नहर है, तो सू नहर है ह्यूरेन झील और सुपीरियर झील के बीच में। और ओंटारिका और इरी झील के बीच में कौन सी नहर है, तो यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात है, जहाँ पे एक झील जो नहर है वेलेंड झील। अगर आपसे पूछा जाए कि नियाग्रा फॉल नाम सुना होगा आपने, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो नियाग्रा जलप्रपात यहाँ पे है ओंटारियो और इरी झील के बीच में। तो इस जलप्रपात को यहाँ पे कवर करने के लिए एक नहर बना दी गई जिसका नाम है वेलेंड नहर। ठीक है, वेलेंड नहर। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा यहाँ पे झील यूएसए का, उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद अब सुपीरियर झील क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सुपीरियर झील से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए यहाँ पे सुपीरियर झील को थोड़ा सा देख लेते हैं। बता चुका हूँ वैसे मैं आपको सारी चीज़ें, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। अब मीठे पानी की तो सबसे बड़ी झील है, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ी जो झील है ये दूसरे नंबर की है। ठीक है, उसके बाद सू नहर जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरेन झील को जोड़ता है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद मिशिगन झील के बारे में देख लेते हैं। मिशिगन झील जो है पूर्णतः यूएसए में है, बता चुका हूँ। शिकागो शहर यहाँ पे है, मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है, जिसको क्या कहते हैं, विश्व की मांस मंडी, मैंने आपको ये भी बता दिया था मैप में। वेलेंड नहर और जो वेलेंड नहर है वो इरी और ओंटारियो झील को जोड़ता है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, जहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात था। उसके बाद सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलती है, आपको पता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है सेंट लॉरेंस नदी, जो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है, ये ओंटारियो झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका जितनी यहाँ पे झीलें थी उसको हम महान झीलों को पांचों डिस्कस कर ली। अब आता है यहाँ पे आपका कैलिफोर्निया प्रांत था, जिसमें एक झील यहाँ पे थी, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मृत घाटी जो उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु है, यानी कि डीपेस्ट पॉइंट इसको कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का, क्या नाम है इसका, मृत घाटी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तापमान रहता है, कितना तापमान यहाँ पे कैप्चर किया गया, 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मृत घाटी दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है, सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया गया है 58 डिग्री सेल्सियस, और ये डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा स्थान है उत्तरी अमेरिका का। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क यहीं पे है, ठीक है, कैलिफोर्निया में ही येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है, जो ओल्ड यहाँ पे फेथफुल गीजर के नाम से प्रसिद्ध है। ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि जो ये येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क है, इसमें काफ़ी जगह ऐसे हैं जो ज़मीन से गर्म पानी निकलता है, बुलबुले से निकलते हैं, गर्म पानी ऐसा निकलता रहता है। और एक स्थान है अलास्का, आपको मैंने बताया था ऊपर की तरफ, अलास्का में यहाँ पे सहस्त्र धुआरों की भूमि इसको कहा जाता है अलास्का को, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा प्लेस है जहाँ पे ज़मीन से या तो धुएँ निकलते हैं या फिर यहाँ पे गर्म पानी निकलता है, तो यहाँ पे काफ़ी ऐसी ज़्यादा स्थान है जिसको, जिसकी वजह से यहाँ पे सहस्त्र धुआरों, यानी कि 1000 places ऑफ स्मोक कह सकते हैं इसको। यहीं पर एक है ग्रेट सॉल्ट लेक, विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता वाली झील है। ग्रेट सॉल्ट लेक विश्व की तीसरी सर्वाधिक लवणता, यानी कि अगर 1 लीटर पानी लिया जाता है तो उसमें लवणता जो खारापन है उसको अगर मापते हैं तो उसमें ये तीसरे स्थान पे आती है। कौन सी, ग्रेट सॉल्ट लेक। अगर नंबर 1, 2, 3 की बात करें, 3 तो आपको मैंने बता दिया, 1 पे है वॉन झील जो कि तुर्की में है, जिसकी लवणता अगर यहाँ पे बताएं तो 1000 ग्राम लेते हैं अगर जल, तो उसमें 330 ग्राम उसमें उसकी लवणता है। दूसरे नंबर पे मृत सागर है, जॉर्डन में है, इसकी लवणता है 238। और तीसरे नंबर पे ग्रेट सॉल्ट लेक है जो कि यूएसए में है, इसकी जो लवणता है वो है 220, किसमें से 1000 ग्राम में से।
अब इसके बाद देखें यहाँ पे प्रमुख नदियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में हम। नेक्स्ट वीडियो हमारी उत्तरी अमेरिका की लास्ट वीडियो होगी, पार्ट 3 में हम खत्म कर देंगे उत्तरी अमेरिका को। तो यहाँ पे प्रमुख नदियों थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आप लोगों को एक साथ पूरा चीज़ दिख सके, ठीक है। तो प्रमुख नदियों के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये फिगर हो गया आपका उत्तरी अमेरिका का। इसमें एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक नदी यहाँ से बहती है, ये जाती है आपकी अलास्का से, यूक्रान पठार था उसी के पास से एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं यूक्रान नदी। दूसरी यहाँ पे मैकेंजी नदी, आपको मैंने बताया कि कनाडा की सबसे बड़ी नदी है, मैकेंजी नदी यहाँ से बहते हुए यहाँ पे जाती है। नेक्स्ट आता है अगर आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे अब यूएसए के पास में एक नदी है, यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी, आपको मैंने बता दिया सबसे व्यस्ततम नदी जो यहाँ पे आंतरिक जलमार्ग वाली थी। उसके बाद यहाँ पे एक हडसन नदी है जो कि जिसके पास में जिसके किनारे पे न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। टेनेसी नदी यहाँ पे है। उसके बाद नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो टेनेसी नदी के नीचे यहाँ पे आपका पोटोमैक नदी है। क्यों इंपॉर्टेंट है पोटोमैक नदी? क्योंकि पोटोमैक नदी के पास ही वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है, पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए की राजधानी है। यहाँ पे अगर बात करें एक नदी यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे आती है और यहाँ पे गिर जाती है मैक्सिको की खाड़ी में, इसको कहते हैं रियो ग्रांडे नदी। और उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एक नदी यहाँ पे आती है, यहाँ से यहाँ पे आती है जिसको हम कहते हैं कोलोराडो नदी। विश्व की सबसे यहाँ पे बात की जाए तो लंबा ग्रॉज है यहाँ पे, जिसको हम ग्रॉज को आप लोग अगर नहीं समझ पाए तो महाखंड इसको कह सकते हैं। अब मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे जो कोलोराडो नदी है यहाँ पे विश्व का सबसे लंबा गॉर्ज है जिसको हम महाखंड भी कहते हैं। महाखंड क्या होता है? नदी के द्वारा इस तरीके से नदी आ रही है और यहाँ पे काफ़ी वी शेप का आकार बन गया है, ठीक है, वी शेप का आकार बन गया जिससे यहाँ पे नदी काफ़ी गहराई से बह रही है और ढलान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीधा है, जिसको हम क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं, महाखंड हिंदी में कहते हैं इसको। और उसके बाद यहाँ पे अगर डिस्कस किया जाए तो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़ी यहाँ पे नदी है, लंबी नदी, जो क्या नाम है इसका? मिसिसिपी नदी, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी नदी कहते हैं लेकिन मिसिसिपी नदी से ये फेमस है। तो सबसे बड़ा ये अपवाह तंत्र बनाती है उत्तरी अमेरिका का, ये है आपका, इसका नाम है मिसिसिपी नदी। ये भी आपका जाके मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पॉइंट है यहाँ पे देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी और कनाडा की सबसे लंबी नदी आपको मैंने बता दिया ये वाली नदी है मैकेंजी नदी। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और कौन सा शहर किसके किनारे? हडसन के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है, टेनेसी नदी है यहाँ पे और यहाँ पे नीचे एक नदी है जो नाम की पोटोमैक नदी के नाम से जानी जाती है जिसके किनारे पे वाशिंगटन डीसी बसा हुआ है। तो ये था आज की वीडियो में दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने के बाद हेल्प जरूर मिला होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करिए। और कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।